कठ चक्रासन का अभ्यास करते हैं। दोनों पैरों में लगभग 1.5-2 फीट का फासला, दोनों हाथ सामने, हथेली आमने सामने, कोहनियाँ सीधी, पैर सीधे, कमर सीधी, गर्दन सीधी और छाती जितना फासला अंतर डिस्टेंस हाथों दाहिनी ओर घूम, श्वास अंदर भरा, दोनों हाथ कंधों के समानांतर हाथों के बीच में देख, पूरे घूम गए जितना अधिकतम हो सके, पुनः सामान्य स्थिति में लौट आए, फिर दूसरी ओर से इस अभ्यास को किया। दोनों हाथों की कोहनियाँ सी जितना हो सके पार्श्व भाग में चले घूम गए, पीठ में पूरा घुमाव आए, पुनः सामान्य स्थिति में बीच में लौट आए, हाथ नीचे आ गए। ये कठ चक्रासन का एक अभ्यास। कठ चक्रासन का दूसरा अभ्यास है दोनों हाथ कंधों के समानांतर हथेली नीचे की, अब दाहिने हाथ को बाएं कंधे के ऊपर लेके जाएंगे, बायां हाथ पीछे से घूम करके दाहिने पैर की जंघा की, बाएं कंधे से पीछे दाहिने पैर की एड़ी को देखो, फिर दूसरी ओर से सामने वाला हाथ पूरा घूम करके कंधे के ऊपर, पीछे वाला हाथ घूम करके जंघा के ऊपर, ऐसे ऐसा कंधे के ऊपर से देखा, एक स्थिति में ऐसे 10-20-30 सेकंड से लेकर के और 1 मिनट तक रुक सकते, रुकना चाहिए तो पूरा लाभ।